जब पानी की कमी होती है, मिलता नहीं है, तो हाहाकार मच जाता है, खाली मटके फोड़े जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, नेता अनशन पर बैठते हैं, सरकारें व्यवस्था के लिए धन का रोना रोती हैं, जब बरसात आती है तब उस पानी को सहेजने और मितव्ययिता से उसका उपयोग करने और उसके महत्व को समझने की जरूरत नहीं समझी जाती। भारत में हर वर्ष पानी की किल्लत होती है, कई इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। पानी लेते समय जहां पड़ोसियों को भी आपस में लड़ते देखा जा सकता है, वहीं रसूखदारों को पानी के टैंकरों द्वारा आपूर्ति के माध्यम से पैसा बनाते हुए भी देखा जा सकता है। सरकारों ने पानी की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के प्रयास ईमानदारी से किए हों, ऐसा जमीन पर दिखाई नहीं देता। कभी कारणों का पता लगाने का सही ढंग से प्रयास भी नहीं किया गया। यही वजह है कि ना तो शहर की जनसंख्या के अनुपात में जल संग्रहण संरचनाओं का विस्तार होता है और ना ही जो है उनका ठीक से रखरखाव और प्रबंधन होता है। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के कुछ शहरों में जल समस्या दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन जैसा रूप ले ले। बेटियां किसी से भी कमतर नहीं हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है, चाहे वह कितना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों ना हो। अपने कठिन परिश्रम, त्याग, निष्ठा, समर्पण और लगन से अर्श से लेकर फर्श तक विकास की एक नई इबारत लिखी है। इन बेटियों ने कई बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी आदि ने अपनी सफलताओं से समूची दुनिया में देश का नाम रोशन कर हमें गौरवान्वित किया है। कोर्ट से भी अंगदान की लड़ाई को जीत जाने के बाद इंदौर की एक बेटी ने अपने बीमार पिता को अपना लीवर दान देकर और उनका जीवन बचाकर समाज में एक अनूठी मिसाल पेश की कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, इन्हें कमतर समझने वाले गलत हैं। ऐसे साहसिक और प्रशंसनीय कार्यों से बेटियां समाज में एक मिसाल कायम कर रही हैं और इससे समाज में जन जागृति भी आ रही है। तमाम बेटियों के साहस, जिजीविषा और जुझारूपन को नमन करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन न होने से छात्र छात्राओं को गुणवत्ताहीन शिक्षा तथा अभिभावकों को महंगी शिक्षा से निजात नहीं मिल पा रही है। निजी शिक्षण
संस्थानों द्वारा हर वर्ष 15-20% की बढ़ोतरी कर अभिभावकों से महंगी फीस स्टॉप ज्यादा